everyone, welcome back. So today I'm going to explain you the learning science class 8 CBSE book chapter 11, force and pressure. I'm sure that you all would be thinking it, why I have jumped too much chapters, ki abhi tumne first or second kiya tha to hum ekdam second se no third no fourth seedha 11 pe kyun aa gaye, kyunki first or second jo hai na dono hamare bio ke chapter hain, biology ke. To uske baad hum ek physics ka chapter karenge, fir chemistry ka karenge. That's important ki hum ek ek subject ko leke chale science ke. हर टॉपिक को हमें क्लियर होना चाहिए, बायो बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. एंड फोर्स एंड प्रेशर इज अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स. दैट्स व्हाई आई हैव मेड अ वेरी लॉन्ग जंप. ओके, तो सबसे पहले हमें फोर्स का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. ओके, लेट्स लर्न इट. हम इन सिचुएशंस को देखते हैं. क्या एक बुक को हिलाना जो एक टेबल पर पड़ी हुई है, डोर खोलना, बकेट उठाना जिसमें पानी भरा हुआ है, ड्रॉर खोलना, फुटबॉल किक करना, बॉल हिट करना बैट से, इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है? इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, या तो हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं. फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, डोर खोल रहे हैं तो पुल कर रहे हैं. ये चीज़ तो कॉमन है इन सब चीज़ों में. तो मूव द बुक, बुक हिलाने के लिए हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं. सिमिलरली डोर खोलने के लिए हम उसको या पुश करते हैं या पुल करते हैं. फुटबॉल किक करने के लिए हम उसको पुश करते हैं. तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए या तो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, यही दो चीज़ें इवॉल्व होती हैं. और अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक पुश और पुल ही फोर्स कहलाता है. फोर्स एक एफर्ट है, किस चीज़ का? पुश का और पुल का. अब फोर्सेस कैसे होती हैं? फोर्सेज आर ड्यू टू इंट्रैक्शन. अगर एक बुक एक टेबल पे पड़ी है तो अपनी पोजीशन खुद चेंज नहीं करेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. एक्सटर्नल मीन्स हम अपने हाथों से उसमें कोई फोर्स अप्लाई ऐसे नहीं करेंगे. अब आप सिमिलरली देखो, दिस इज़ अ पेन. ओके, इट्स कैप्ट हियर. अभी अपने आप थोड़ी ना हिल जाएगा जब तक मैं इसको पुश या पुल नहीं करूँगी, है ना, पुल या पुश नहीं करूँगी. अपने आप थोड़ी ना हिलेगा, पड़ा पड़ा नहीं हिलेगा जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इसमें अप्लाई नहीं की जाएगी. एक बुक मतलब बुक को मोशन में लाने के लिए हमें उसको टच करना होता है, या तो पुल करने के लिए या पुश करने के लिए. यही चीज़ कहलाती है अप्लाइंग फोर्स. हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं. इसका मतलब क्या है? दैट इज़ वी अप्लाई फोर्स. उसे हिलाने के लिए हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं. तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी इंट्रैक्शन के बिना, वॉट इज़ इंट्रैक्शन? टच. अगर आपसे पूछा जाए ना एग्जाम में, विदाउट व्हाट द फोर्स कैन नॉट बी अप्लाई टू चेंज द स्टेट, तो यू कुड से इंट्रैक्शन, बिकॉज आपको मीनिंग पता है इंट्रैक्शन का. उसका मतलब होता है छूना. किसी भी इंट्रैक्शन के बिना फोर्स को कभी भी अप्लाई नहीं किया जाता कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले. इसका मतलब कभी भी किसी चीज़ को अगर हम नहीं छुएंगे तो फोर्स कैसे हो जाएगी उसमें? उसको पुश और पुल कैसे हो जाएगा? फोर्स मतलब पुश और पुल उसका कैसे हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता? इंट्रैक्शन या तो हमारे एफर्ट्स होंगे या फिर बाय अदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट. या तो हम अपने हाथों से ही उसको हमारी मेहनत से करेंगे, हिलाएंगे, या फिर जैसे कि दो तीन ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, आधा ऑब्जेक्ट गिर जाता है अपने आप ही, तो वो किसी ऑब्जेक्ट जो उसके साथ है उन कॉन्टैक्ट से ही हो सकता है. अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नाउ वी विल रीड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स जो होती है ना, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकती है. कैसे ला सकती है? उस ऑब्जेक्ट में वो मोशन ला सकती है जो कि रेस्ट में है. रेस्ट मीन्स जो पड़ा हुआ है. एक बुक एक टेबल पे पड़ी हुई है ना, यू कैन मूव इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स. तुम उसको हिला सकते हो उसमें फोर्स अप्लाई करने से, दैट इज़ पुश और पुल. सिमिलरली यू अप्लाई फोर्स टू पुश अ चेयर. इसी तरह जब आप एक चेयर को पुश करने के लिए फोर्स लगाते हो, एक टॉय कार हिलाते हो, बाईसाइकिल को हिलाते हो, ये या फिर आप एक बकेट उठाते हो फ्लोर से, तो हर केस में आप क्या कर रहे हो? यू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स. आप एक ऑब्जेक्ट को हिला रहे हो, मूव कर रहे हो, जो कि रेस्ट पर है, जो कि बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स. उसमें फोर्स अप्लाई करने से फोर्स जो, इससे हमने पहला पॉइंट क्या सीखा इफेक्ट ऑफ फोर्स का, कि फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का फर्स्ट पॉइंट है, फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकती है. ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि फोर्स कैन कॉज मोशन इन एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. मैंने आपको अभी बताया विच ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. मेन पॉइंट इज दैट, अगर ऑब्जेक्ट एट मोशन हुआ फिर आप उसमें कैसे मोलाओगे. हाउएवर ये नेसेसरी नहीं है कि दैट अ फोर्स ऑलवेज मेक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. कि एक फोर्स जो है ना, फोर्स पुश या पुल से सिर्फ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हिलेगा. एग्जाम्पल के लिए जब आप अपने क्लासरूम की वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे हो, देखो जैसे मैन पुशिंग द वॉल, वो हिलेगी नहीं. ठीक है, कैसे हिल जाएगी भाई? वो वॉल है, कैसे हिल सकती है? तो
सिमिलरली इसी तरह जब आप एक ट्री को पुश कर रहे हो गार्डन में, वो भी नहीं हिलेगी। ये रीज़न ये है कि जो फोर्स आपके द्वारा अप्लाई की जा रही है ना, वो सफिशियंट नहीं है उस वॉल या ट्री को हिलाने के लिए। ये फोर्स बहुत कम है। ये फोर्स आपकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पुश करने में यूज़ होती है। इतने हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुश करने में आपकी ये फोर्स यूज़ नहीं होती है। वही बात वो कह रहे हैं कि कभी कभी फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं वो सफिशियंट नहीं होती एक ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए। ठीक है, द सेकेंड इज फोर्स कैन सेकेंड इज फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को भी फोर्स स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? अब एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है गोल की तरफ, और वहाँ जो गोल कीपर होता है वो फोर्स लगाता है उसको रोकने के लिए। इसी तरह जब हम ब्रेक मैंने यू अप्लाई ब्रेक्स, जब आप कार में ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो रुक जाती है, बाईसाइकिल में ब्रेक अप्लाई करते हो वो रुक जाती है, मूविंग बॉल अपने आप भी रुक जाती है फोर्स की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, एक मूविंग बॉल अपने आप रुक जाती है, और कैसे रुक जाती है? जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं हैंड से, वो रेस्ट हो जाती है एकदम, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया कि बॉल को अगर आप फेंकते हो तो जैसे आपने किक करा बॉल को और कोई गोल कीपर वहाँ नहीं है, तो वो चलते चलते अपने आप रुक जाएगी ना, किस लिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, जो मैं आपको आगे आके हम समझेंगे। अभी फोर्स एंड फ्रिक्शन, फोर्स एंड प्रेशर में ही समझेंगे हम, फ्रिक्शन में समझेंगे उस चीज़ को। ठीक है, नाउ थर्ड इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कैसे कि जब एक बैट्समैन एक बॉल को हिट करता है, बॉल से बैट्समैन ने बॉल मारी, तो जो डायरेक्शन है उस बॉल की चेंज हो जाती है। कैसे? जब एक टेनिस प्लेयर एक सर्विस रिटर्न करता है तो ही या शी क्या करता है, वो फोर्स को यूज़ करता है बॉल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। एक हिट करोगे, बॉल की डायरेक्शन कहाँ जाएगी? अब आप इधर से हिट कर रहे हो, लाइक दी बैट इधर हिट करो, बॉल की डायरेक्शन वहाँ, टेनिस प्लेयर ऐसे हिट करेगा तो बॉल आपके पास इधर आ रही है, और टेनिस प्लेयर ने यहाँ से इधर हिट करा तो बॉल इधर चली जाएगी। वो चीज़ जो मोशन में आ रही है आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। ठीक है, फोर्स जो होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है। कोई चलती हुई चीज़ हो और उसकी स्पीड हम चेंज कर दें। कैसे? जब एक पर्सन झूले झूलते हैं हम, तो जब हम उसको पुश करते हैं झूले को तो तेज़ चलने लगता है, और जब हम उसको फिर रोक लेते हैं तो मतलब व्हेन ही पुल्स द स्विंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब हम उसको पुल करेंगे धीरे धीरे दूसरी डायरेक्शन में, हम उसको यहाँ से पुश कर रहे हैं तो तेज़ से चलेगा, और जब उसे वहाँ से पुश करेंगे दूसरी साइड से सामने वाली साइड से तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा। इसी तरह जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं साइकिल के पेडल में तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, और जब हम साइकिल के पेडल उल्टे मारेंगे तो साइकिल धीरे धीरे रुक जाएगी। सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी बदल सकती है। फोर्स एक ऑब्जेक्ट का शेप और साइज ही बदल सकती है। कैसे? जब आप एक पेपर फोल्ड करते हो या क्लोथ फोल्ड करते हो, आटा छानते हो या फिर आटा गूंदते हो, ठीक है, या फिर टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसको ऐसे कसकस के दबाते हो, तो उससे क्या होता है, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। हो जाता ही नहीं हो जाता, क्योंकि हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह फोर्स एक चीज़ का शेप और साइज, एक ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। पेपर फोल्ड करेंगे शेप चेंज, फिर ऐसे करेंगे शेप चेंज, आटा गूंदते हैं, अभी पहले ऐसा इतना था इतना जाएगा, फिर उसकी शेप ये हो जाएगी, फिर उसकी ये हो जाएगी, शेप बदलती रहती है। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? एसआई यूनिट है फोर्स की, न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। न्यूटन को एन के नेम से जाना जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एन। अब हमें ये फील करना है कि कितनी फोर्स एक न्यूटन, वन न्यूटन इज, प्लेस एक 100 ग्राम वेट मेजर रखो अपनी पाम पर, हाथ पर, और उसको ग्राउंड की तरफ ले जाओ, ठीक है, होल्ड इट पैरेलल टू द ग्राउंड। जो फोर्स 100 ग्राम वेट आपकी पाम पर है ना, इज नियरली 1 न्यूटन। जो वो आपके हाथ पर जितना वो वेट डाल रहा है ना, इतना वेट आपके हाथ पे आ रहा है, वो ही एक न्यूटन होता है। इसी तरह जब आप 200 ग्राम वेट रखोगे तो यू आर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ नियरली 2N, तो आप 2N फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि 1N इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। देखो दिया है यहाँ पे 1 किलोग्राम फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg वर्टिकली अपवर्ड्स इज कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स। अब हम 1 किलोग्राम की फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कितना होता है? 1 kg फोर्स। उसको डिनोट किया जाता है kgf के नाम से। किस नेम से? kgf। तो 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 N। ये क्या होता है? न्यूटन। अप्रॉक्स मतलब होता 10 N नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सली उसमें 9.8 N होता है, अप्रॉक्स ही जाता है 10 न्यूटन के इक्वल।
ये न्यूमेरिकल है, आगे काम आएगा। 1 kgf को आप 100 1000 gf भी कह सकते हो, 1000 ग्राम फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स ये क्या होती है। रियल लाइफ सिचुएशन में मोर देन वन फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट करनी पड़ती है हमें। जैसे कि हम देखते हैं प्रशांत जो है एक हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, कितनी फोर्स है, 40 N की फोर्स है, कितनी फोर्स है, 40 N न्यूटन। उसे ऐसा लगता है कि वो अनेबल है, कि वो उसको जल्दी मतलब वो इसको जल्दी जल्दी नहीं मूव कर सकता, तो वो अपने फ्रेंड दीपक को बुलाता है उसकी मदद करने के लिए। दीपक 50 N की फोर्स अप्लाई करता है प्रशांत के साथ सेम डायरेक्शन में, तो वो जो हैवी बॉक्स है वो फिर हिलना जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। क्या आप गेस कर सकते हो वो टोटल फोर्स क्या है जो बॉक्स पे एक्ट कर रही है? 40 तो वो कर रहा है प्रशांत, 50 दीपक, 40 + 50 N 90 N। तो फोर्स अप्लाइड बाय प्रशांत एंड फोर्स अप्लाइड बाय दीपक इज इक्वल्स टू 90 N। तो 90 N फोर्स वो अप्लाई कर रहे हैं। सी यू कुड सी हियर फोर्स, तो टोटल फोर्स जो कि हैवी बॉक्स पे अप्लाई की जा रही है उसको कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। क्या रिजल्ट आएगा उस फोर्स का? दैट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स जो होती है एक सिंगल फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाती है, और उसका सेम इफेक्ट होगा अगर बहुत सारी फोर्सेज आएँ और उस पर एक्ट करें, क्योंकि हम उसको सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं ना। एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान आए, चार इंसान आए, तो उसका जो है सेम इफेक्ट उस पर पड़ेगा, क्योंकि हम उसको सिंगल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। सो इससे हम ये समझते हैं कि जब दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में रिएक्ट करती हैं तो रिजल्टेंट फोर्स को ऐड करके कैलकुलेट किया जाता है। कैसे निकाला जाता है? उन फोर्सेस को ऐड करके, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में ले जा रही है अप्लाइड फोर्स की। सपोज करो कि प्रशांत दीपक के बीच में एक लड़ाई हो गई और दीपक मना कर देता है कि वो प्रशांत की हेल्प नहीं करेगा, तो वो जो हैवी बॉक्स है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है, और कितनी फोर्स लगा रहा है वो, 40 N फोर्स लगा रहा है। सिंस बोथ द फोर्सेज आर अप्लाइड एट द सेम पॉइंट, दोनों फोर्सेज सेम पॉइंट पे अप्लाई की जा रही है। देखो वो भी 40 N लगा रहा है, वो भी 40 N लगा रहा है। सी हियर, दोनों सेम अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? हम उसको डिफरेंस वो कैलकुलेट कैसे करेंगे उन फोर्सेज के डिफरेंस से। देखो 40 - 40 N 0 N हो जाएगा, 40 में से 40। देखो इधर से भी वो 40 अप्लाई कर रहा है, इधर से भी अप्लाई कर रहा है। अभी एक बुक है, ठीक है, ये तो बड़ी हो गई, एक पेन है, मुझे इसे मूव करना है, इधर से भी इसे मूव कर रही हूँ, इधर से भी मूव कर रही हूँ, सेम प्रेशर से मूव कर रही हूँ, तो यहाँ से हिल ही नहीं रहा है, ना इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है, नहीं जा रहा ना, क्योंकि हम उसमें सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड से। तो हम इसका कैसे आंसर निकालेंगे? डिफरेंस करके, और जब हम उसको डिफरेंस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसका मतलब बॉक्स हिल ही नहीं रहा है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब दो इक्वल फोर्सेज एक्ट की जाती है एक ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकलती है वो कैसे निकलती है, वो 0 बन जाती है और वो ऑब्जेक्ट हिलता ही नहीं है। ओके, इन फोर्सेस को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, तो अब आप सपोज करो कि दीपक जो है उस हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है 50 N के साथ, और प्रशांत लगा रहा है 40 N फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। दीपक उधर से लगा रहा है लेफ्ट से, और प्रशांत राइट से लगा रहा है, ठीक है। अब दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग फोर्स कैसे निकलेगी? मैंने आपको बताया जब अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई होगी तो डिफरेंस निकालेंगे, तो 50 N - 40 N 10 N। तो वो जो हैवी बॉक्स है ना वो दीपक की डायरेक्ट इन विच दीपक मतलब इन द डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? जहाँ दीपक पुश कर रहा है। अब दीपक समझ लो इधर से पेन यूज, मैं इधर से मैं इतनी फोर्स लगा रही हूँ, इधर से थोड़ी ज़्यादा है, तो मेरी थोड़ी ज़्यादा फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में जहाँ दीपक पुश करना चाह रहा है वहाँ ये पेन जाएगा, उसी तरह वहीं वो बॉक्स जा रहा है। तो हमें इससे पता चलता है जब दो अनइक्वल फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है उसे वही डिफरेंस से निकाला जाता है दो फोर्सेस के, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को लार्जर फोर्स जहाँ से फोर्स तेज़ आ रही है उस डायरेक्शन में ले जाएगी। कभी आपने गेम देखा है टग ऑफ वार? उस गेम में ना दो टीम क्या करती है, रोप को खींचती है अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इसको टग ऑफ वार कहा जाता है, आपने देखा ही होगा, जिसकी साइड रोप चला जाता है वो जीत जाती है। अब इसमें देखा होगा मोस्टली ना कोई टीम नहीं जीतती, मतलब मुश्किल से कोई रिजल्ट आता है, क्योंकि जो रोप जो है हिलती नहीं अगर दोनों सेम फोर्स लगा रही है। अब दोनों में तीन तीन लोग हैं तो इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है, इसलिए वो रोप हिलती नहीं है। हम सोचते हैं हम नहीं जीत रहे, वो क्यों नहीं जीत रहा।
पर हम ये नहीं समझते कि हम रोप को दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं सेम फोर्स के साथ, तो दोनों टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो उसको पुल करते हैं रोप को अपनी अपनी डायरेक्शन में, इसी तरह रोप हिलती नहीं है। ये तब क्या होता है जब व्हेन बोथ द टीम्स पुल द रोप इन देयर ओन डायरेक्शन, जब वो इक्वल फोर्स से अप्लाई करती हैं, वो टीम जो कि ज़्यादा फोर्स लगाएगी मतलब हार्डर बहुत तेज़ खींचेगी मतलब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी वो फाइनली गेम जीत जाती है। इन फोर्सेस को कहा जाता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या कहा जाता है इन फोर्सेस को? अनबैलेंस्ड। बैलेंस मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, जहाँ पे जीरो आ जाती है हमारी कोई भी एक्शन नहीं होता है वो तो बैलेंस, और इन फोर्सेस को कहा जाता है अनबैलेंस, जहाँ पर एक की ज़्यादा फोर्स आ रही है एक की कम फोर्स आ रही है। तो जो अनबैलेंस फोर्सेज होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट को हिला सकती हैं जो कि रेस्ट पर है। ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट को भी रेस्ट पर ला सकती हैं। और एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मोशन, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। रिजल्टेंट फोर्स को नेट फोर्स भी कहा जाता है, चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज नेट फोर्स। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। मैं अगली वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस समझाऊंगी, तब तक जो मैंने आपको समझाया मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करना चाहूंगी इससे रिलेटेड। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अ फोर्स इज एन एफर्ट नीडेड टू चेंज द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हम अपना अगर एफर्ट लगा रहे हैं एक फोर्स पे तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको बताया मुझे उसमें तीन चीज़ चार चीज़ जो भी चीज़ें हैं मुझे सब बताएं। स्क्वीजिंग अ टूथपेस्ट कैन चेंज इट्स व्हाट, एक ऑब्जेक्ट को स्क्वीज करेंगे कस के दबाएंगे अगर टूथपेस्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को नहीं टूथपेस्ट को, हम उसको कस के दबाएंगे उसकी ट्यूब को, तो उसकी क्या चेंज करेगी, स्पीड चेंज करेगी, क्या चेंज करेगी, यू हैव टू थिंक इट योरसेल्फ। द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश, वॉट इज द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्थ क्वेश्चन इज वेन टू फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाई डैश द फोर्सेज। जब दो फोर्सेज एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, दो फोर्सेज जैसे इस पेन पे दोनों इधर से भी धक्का दे रहे हैं, मतलब दो फोर्सेज हैं, ये फिंगर भी इधर से धक्का दे रही है और ये भी इधर से ही धक्का दे रही है, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश फोर्स, वो टोटल फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जाती है उस फोर्स को क्या कहा जाता है। ये टॉपिक्स हमने अभी अभी नियरली इन 15 मिनट्स हमने पढ़े हैं, तो आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स आते होंगे। इफ़ यू नो दीज आंसर्स देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड एनी क्वेरी जस्ट कमेंट मी, डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू गाइज, वेरी मच थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।